प्रसव प्रकृति द्वारा संरचित वह अद्भुत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से गर्भवती माता अपने शिशु को जन्म देती है। 9 माह की गर्भावधि पूर्ण होने पर जब परिपक्व शिशु का जन्म स्वाभाविक रूप से मस्तक द्वारा योनि मार्ग के माध्यम से माता एवं शिशु को बिना कोई अपूर्णीय क्षति पहुंचाए सुगमता पूर्वक संपादित होता है तो उसे प्राकृतिक प्रसव या नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। प्राकृतिक प्रसव 4 मुख्य घटकों पर निर्भर होता है, शिशु की गर्भावधि, आकार एवं अवस्था, माता का स्वास्थ्य, उसके श्रोणि गुहा की संरचना और आकार एवं श्रोणि तल की मांसपेशियों की सबलता और विस्तार हेतु योनि मार्ग में आवश्यक लचीलापन, प्रसव के सफल आयोजन हेतु गर्भाशय की मांसपेशियों के प्रभावी संकुचनों की प्रबलता और साथ ही साथ प्रसूति माता, परिजन और सहायक स्वास्थ्य प्रदाताओं का प्राकृतिक प्रसव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रसव पीड़ा वहन करने की माता की प्रबल इच्छा शक्ति, पारस्परिक विश्वास, समन्वय और सहयोग का वातावरण एवं आवश्यक मूल संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता। प्रायः सभी माँ अपने शिशु को प्राकृतिक प्रसव द्वारा ही जन्म देना चाहती है, किंतु विदित रहे, कर्म करे बिना फल की प्राप्ति नहीं होती। अतः प्राकृतिक प्रसव हेतु यह अति आवश्यक है कि गर्भवती माता संपूर्ण गर्भकाल में वे प्रस्तावित व्यायाम जिनके माध्यम से श्रोणि तल और गुहा की मांसपेशियां सुदृढ़ एवं योनि मार्ग और जोड़ शिशु के निकास हेतु विस्तृत हो सके उनका नियमित अभ्यास करें। प्रसव उपरांत भी इन व्यायामों के नियमित अभ्यास से श्रोणि तल और जननांगों की मांसपेशियां पुनः सबल होने से उनकी शिथिलता के कारण होने वाले जननांगों के प्रोलैप्स, ओएसएस अर्थात ऑब्स्टेट्रिक एनल स्फिंक्टर इंजरी और स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस अर्थात अनियंत्रित अवांछित मूल उत्सर्जन से भी सुरक्षा प्राप्त होती है, किंतु गर्भावस्था संबंधित जटिलताएं जैसे माता में घातक हृदय रोग या गंभीर अस्थमा इत्यादि विकार, योनि मार्ग से गंभीर रक्तस्राव की अवस्था में जैसे थ्रेटेंड अबॉर्शन अर्थात संभावित गर्भपात की अवस्था में, प्लेसेंटा प्रीविया जब आवल का स्थापन ग्रीवा मुख के समीप हो या फिर आवल के अपने आधार से पृथक होने की दशा में प्रस्तावित सामान्य व्यायाम भी वर्जित हो सकते हैं। अतः ऐसी दशा में व्यायाम करने से पूर्व अपने स्वास्थ्य प्रदाता की अनुमति अवश्य लें। प्राकृतिक प्रसव हेतु प्रस्तावित व्यायाम, लाइट वॉक अर्थात टहलना। गर्भवती माताओं के लिए लाइट वॉक सबसे सुगम और हितकारी व्यायाम होता है। न असंतुलित होकर गिरने का डर, न चोटिल होने का खतरा। गर्भावस्था के दौरान महिला को प्रति दिवस प्रातः और सांध्य काल के अनुकूल वातावरण और ताजी हवा में टहलना ही चाहिए। हालांकि कुछ सावधानियों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे समतल सुरक्षित पथ पर ही टहले, गीले फिसलन वाले या चिकने मार्ग पर टहलने से असंतुलित होकर गिरने का भय रहता है। भीड़भाड़ वाली स्थान पर जाने से बचें, क्योंकि भगदड़ में दुर्घटनावश गिरने का खतरा बढ़ जाता है। टहलने हेतु आरामदायक वस्त्र और उचित जूते पहने। टहलने पर जाने से पूर्व पर्याप्त पानी का सेवन अवश्य करें, ताकि पानी की अल्पता से डिहाइड्रेशन ना हो। दृष्टिदोष या दृष्टि बाधित होने पर उपयुक्त चश्मे का उपयोग अवश्य करें। गर्भावस्था के अंतिम चरणों में विकासशील गर्भाशय की ओट के कारण फर्श स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, अतः चलते समय हमारे कदम कहां पड़ रहे हैं यह निश्चित प्रतीत नहीं होता। और तो और गर्भावधि के साथ ही विकासशील गर्भाशय के बढ़ते आकार को समायोजित करने हेतु मेरुदंड की वक्रता अर्थात स्पाइनल कॉर्ड के कर्वेचर में भी संबंधित बदलाव होने से रीढ़ की हड्डी दबाववश झुकती चली जाती है। साथ ही इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन नामक हार्मोन के प्रभाव में शरीर की समस्त मांसपेशियों और जोड़ों में अधिक लचीलापन आ जाने से मां का स्वयं के शरीर पर नियंत्रण कम हो जाता है।
उपयुक्त तीनों कारणों के फलस्वरूप माता का असंतुलित होकर गिरने का खतरा बढ़ जाता है। अतः टहलने के दौरान उचित सावधानियां बरतना अति महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टहलते समय मोबाइल या अन्य यंत्रों का उपयोग ना करें। एकाग्रता भंग होने से गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ध्यान रहे, आपकी सावधानी में ही आपके शिशु की सुरक्षा है। किसी भी कारण से यदि आप बाह्य वातावरण में टहलने में अक्षम हैं, तो कम से कम अपने ही स्थान पर खड़े होकर कदमताल अवश्य करें। कमर के व्यायाम। इन व्यायामों को नियमित करने से मेरुदंड, कूल्हे, जांग, श्रोणितल और श्रोणि गुहा की मांसपेशियां और जोड़ सुदृढ़ और विस्तृत होने से प्राकृतिक प्रसव में सहायता होती है। मेरुदंड सुदृढ़ होने के साथ ही कमर दर्द और शियाटिका में भी आराम मिलता है। अपने दोनों पैरों के मध्य लगभग 1 फीट का अंतर रख समान भार देते हुए सीधे खड़े हों। अपने दोनों हथेलियों को कमर पर रखें। अपनी कमर को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इस अभ्यास को कम से कम 5 बार दोहराएं। ट्विस्ट एक्सरसाइज। इसे 2 तरीकों से किया जा सकता है, खड़े होकर या लेटकर। दोनों पैरों के मध्य लगभग 1 फीट का अंतर रख समान भार देते हुए सीधे खड़े हों। दोनों कोहनी को मुड़ते हुए अपने बंद मुट्ठियों को कंधे के समतल छाती के समक्ष रखें। मेरुदंड पर उपयुक्त खिंचाव महसूस करते हुए धीरे धीरे अपने ऊपरी धड़ को दाईं ओर और फिर बाईं ओर घुमाएं। इस अभ्यास को कम से कम 5 बार दोहराएं। ध्यान रहे, यह व्यायाम करते समय मांसपेशियों पर झटका ना लगे। लेटकर अपने शरीर को ढीला छोड़ें। घुटने मोड़ते हुए पीठ के बल लेटें। बाहों को कंधों के समकक्ष फैलाएं। कमर से अपने ऊपरी धड़ को दाईं ओर और घुटने समेत अपने निचले धड़ को बाईं ओर मोड़कर मेरुदंड पर खिंचाव महसूस करें। उपरोक्त अभ्यास विपरीत दिशा में भी दोहराएं। इस व्यायाम को कम से कम 5 बार अभ्यास करें। स्क्वाट्स। इस व्यायाम से मेरुदंड, जांग और श्रोणि तल की मांसपेशियां सुदृढ़ होने के साथ ही कूल्हे और श्रोणि गुहा के जोड़ सुदृढ़ और विस्तृत होने से प्राकृतिक प्रसव में सहायता होती है। दोनों पैरों के मध्य लगभग 1 फीट का अंतर रख समान भार देते हुए सीधे खड़े हों। अपनी सुविधानुसार इस व्यायाम को आप अपने हाथों को कोहनी से मोड़कर या फिर हाथों को सीधा रखकर जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए घुटनों को मोड़ते ऐसे बैठने का प्रयास करें जैसे आप एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठ रहे हो। कुछ क्षणों तक उसी अवस्था में रहें और फिर पुनः सीधा खड़े हो अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाएं। इस व्यायाम को कम से कम 5 बार दोहराएं। गर्भावस्था में योग। योग शारीरिक व्यायामों और श्वसन क्रियाओं का वह विशेष संग्रहण है जिनके नियमित अभ्यास से शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का उद्गम और आत्मिक शांति का अनुभव होता है। आंतरिक प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी में बढ़ोतरी करने से यह अनेकों संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। युगों पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में जन्मी यह पद्धति कालातीत वैश्विक स्तर पर एक आदर्श जीवन शैली के रूप में स्थापित हो चुकी है। यस्तिकासन। इस आसन को करने से पीठ और कमर का दर्द कम होने के साथ ही मानसिक तनाव कम होने से शरीर में नवीन ऊर्जा का संचार होता है। उपयुक्त समतल सतह पर पीठ के बल सीधे लेटें। हथेलियों को आसमान की ओर खुला रखते हुए दोनों हाथों को सर के ऊपर ले जाएं। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर और पंजों को नीचे की ओर ले जाते हुए अपने शरीर को स्ट्रेच करें। कुछ पल इसी अवस्था में रहते हुए खिंचाव महसूस करें और फिर अपने शरीर को ढीला छोड़ें। इस अभ्यास को कम से कम 5 बार दोहराएं। तड़ासना। इस व्यायाम के अभ्यास से मेरुदंड की मांसपेशियों के सुदृढ़ होने के साथ ही स्पाइन अलाइनमेंट होने से कमर दर्द, शियाटिका और पिंडलियों के दर्द में निवारण होता है।
दोनों पैरों के मध्य लगभग 1 फीट का अंतर रख समान भार देते हुए सीधे खड़े हों। दोनों हथेलियां समान रूप से जांघ की ओर खुली हों। लंबी गहरी सांस लें, बिना कोहनी को मोड़े अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। रीढ़ की हड्डी पर तान देते हुए आसमान की ओर देखें। कुछ क्षणों के लिए इसी अवस्था में रहते हुए अपनी मेरुदंड पर खिंचाव महसूस करें और फिर शरीर को ढीला छोड़ते हुए प्रारंभिक विश्राम अवस्था में आएं। इस व्यायाम को कम से कम 5 बार दोहराएं। ध्यान रहे कि आप असंतुलित हो पीछे की ओर ना गिरें। वीर भद्रासन। इस व्यायाम से मेरुदंड, कूल्हे, जांघ, श्रोणि तल और श्रोणि गुहा की मांसपेशियां और जोड़ सुदृढ़ और विस्तृत होने से प्राकृतिक प्रसव में सहायता होती है। दोनों पैरों के मध्य लगभग 2 से 3 फीट का अंतर रख समान भार देते हुए सीधे खड़े हों। दोनों हथेलियां समान रूप से जांघ की ओर खुली हों। अपने दाएं पैर और शरीर को 90 डिग्री और बाएं पैर को 15 डिग्री तक दाहिनी दिशा में घुमाएं। दाहिने घुटने को मोड़ें, लंबी गहरी सांस लें और अपने दोनों हाथों को बिना कोहनी मोड़े ऊपर की ओर ले जाएं। अपनी रीढ़ को पीछे की ओर तान देते हुए ऊपर आसमान की ओर देखें। पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करते हुए कुछ क्षण उसी अवस्था में रहें। लंबी गहरी सांस लेते रहें। फिर अपने शरीर को शिथिल छोड़ते हुए प्रारंभिक विश्राम की अवस्था में आ जाएं। अब इस अभ्यास को बाएं दिशा की ओर करें। इस व्यायाम को लगभग 5 बार दोहराएं। त्रिकोणासन। इस व्यायाम से भी मेरुदंड, कूल्हे, जांघ, श्रोणि तल और श्रोणि गुहा की मांसपेशियां और जोड़ सुदृढ़ और विस्तृत होने से प्राकृतिक प्रसव में सहायता होती है। इसके अभ्यास से पाचन क्षमता में भी वृद्धि होती है। दोनों पैरों के मध्य लगभग 2 से 3 फीट का अंतर रख समान भार देते हुए सीधे खड़े हों। दोनों हथेलियां समान रूप से जांघ की ओर खुली हों। बिना कोहनी मोड़े दोनों हाथों को बगल में कंधों के समकक्ष ले जाएं। लंबी गहरी सांस लें और फिर कमर से बाएं ओर झुकें, जिससे बाई हथेली जमीन को छू रही हो और दायां हाथ ऊपर आसमान की ओर इंकित हो। ऊपर अपने दाहिने हाथ की ओर देखें। सामान्य सांस लेते हुए कुछ क्षण इसी अवस्था में खिंचाव महसूस करें। फिर शरीर को शिथिल छोड़ते हुए प्रारंभिक विश्राम की अवस्था में आ जाएं। यह अभ्यास विपरीत दिशा में भी दोहराएं। इस व्यायाम को लगभग 5 बार करें। तितली आसन या मोची मुद्रासन। इस व्यायाम से भी मेरुदंड, कूल्हे, जांघ, श्रोणि तल और श्रोणि गुहा की मांसपेशियां और जोड़ सुदृढ़ और विस्तृत होने से प्राकृतिक प्रसव में सहायता होती है और कमर, पैरों और पिंडलियों के दर्द में भी आराम मिलता है। फर्श पर अपने दोनों घुटने मोड़ते हुए दोनों तलवों को जोड़कर मोची की मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ को सीधा रखें। पैरों को झुलाते हुए घुटनों को जमीन से छूने का प्रयास करें और अपने श्रोणि तल और जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। इस व्यायाम को लगभग 5 मिनट तक अवश्य करें। कीगल का व्यायाम या मूल बंद आसन। यह व्यायाम गर्भकाल और प्रसव उपरांत सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य आसनों में से एक माना जाता है। इस व्यायाम से भी मेरुदंड, कूल्हे, जांघ, श्रोणि तल और श्रोणि गुहा की मांसपेशियों और जोड़ सुदृढ़ और विस्तृत होने से प्राकृतिक प्रसव में सहायता होती है और प्रसव उपरांत इन मांसपेशियों के पुनः सुदृढ़ होने से उनकी शिथिलता के कारण जननांगों के विस्थापन अर्थात प्रोलैप्स और अवांछित मल एवं मूत्र उत्सर्जन अर्थात ऑब्स्टेट्रिक एनल स्फिंक्टर इंजुरी एंड स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटिनेंस ओएसएस से भी सुरक्षा प्राप्त होती है। इसे दोनों ही तरीकों से किया जा सकता है, लेटकर या बैठकर। जमीन पर पीठ के बल सीधा लेटें और अपने दोनों घुटनों को मोड़ें। अपने हाथों को शरीर के बगल में रखें। अपनी हथेलियों द्वारा जमीन पर नीचे की ओर दबाव डालकर अपने नितंबों को ऊपर उठाएं। कुछ पलों के लिए
इसी अवस्था में रहते हुए शरीर और श्रोणि मार्ग पर खिंचाव महसूस करें। अब शरीर को शिथिल छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक सामान्य अवस्था में आ जाएं। इस व्यायाम को लगभग 5 बार दोहराएं। पालकी लगाकर ध्यान मुद्रा में बैठकर लंबी गहरी सांस लें। अनुबंध और श्रोणि तल की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए अंदर खींचकर कुछ क्षणों के लिए रोकें। यूं करने से आप योनि और गुदा की मांसपेशियों में तनाव महसूस करेंगे। अब अपने शरीर को ढीला छोड़ते हुए विश्राम अवस्था में आ जाएं। इस अभ्यास को कम से कम 8 से 10 बार दोहराएं। ऐसा लगभग 10 चक्र दिन में करने का प्रयास करें। योग करते समय गर्भवती महिला द्वारा कुछ सावधानियां बरतनी अति आवश्यक है। विशेषज्ञ प्रशिक्षक की देखरेख में ही योग एवं अन्य व्यायाम करें। ढीले आरामदायक वस्त्र पहनें। योग संभवतः ताजी खुली हवा में आरामदायक वातावरण में करना हितप्रद होता है। योगाभ्यास सदैव खाली पेट ही करें। भोजन करने के त्वरित बाद यह वर्जित होता है। सर्वप्रथम सरल योगिक क्रियाओं से प्रारंभ कर तत्पश्चात प्रस्तावित जटिल योगाभ्यास का पालन करें ताकि त्रुटि की संभावना ना हो। खुद को अनावश्यक तनाव ना दें। वे व्यायाम जिनसे असंतुलित हो, गिरने का भय हो या पेट पर अनावश्यक दबाव पड़ता हो ना करें। योगाभ्यास के दौरान सामान्य गहरी श्वास लेते रहें। लंबे समय तक श्वास रोकने से शिशु में ऑक्सीजन की अल्पता के फलस्वरूप अपूर्णीय क्षति हो सकती है। तैराकी अपने आप में एक संपूर्ण व्यायाम है और गर्भावस्था में पूर्णतः सुरक्षित भी। शरीर की सभी मांसपेशियों और जोड़ों को सुदृढ़ करने के साथ ही यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों को दूर कर आत्मिक शांति प्रदान करती है। इसके माध्यम से श्रोणि तल की मांसपेशियां सुदृढ़ होने से प्राकृतिक प्रसव में भी सहायता मिलती है। किंतु ध्यान रहे कि तैराकी के लिए पानी साफ सुथरा और उपयुक्त तापमान पर हो। फिसलन वाली जहां काई जमी हो उन सतहों पर जाने से बचें, जिससे असंतुलित हो गिरने का भय ना हो। कूदने या गोता लगाने से आघात का जोखिम रहता है और सबसे महत्वपूर्ण कि फंगस और त्वचा के संक्रमणों से सुरक्षा हेतु तैराकी पश्चात गीले शरीर को उपयुक्त रूप से सुखाएं। नमी रहने से त्वचा के रोगों की संभावना बढ़ जाती है। ध्यान रहे कि दूसरों द्वारा उपयोग किए गए सार्वजनिक स्विमिंग सूट और तौलिये का उपयोग कतई ना करें, इनसे संक्रमण की संभावना होती है। प्राणायाम। श्वास तंत्र केंद्रित व्यायामों को प्राणायाम कहते हैं। इनके माध्यम से शरीर में शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन के प्रवेश और अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड के निष्कासन होने से शरीर में उपयुक्त ऊर्जा का प्रवाह और मन में ताजगी का उद्भव होता है। नियमित प्राणायाम करने से माता में शारीरिक क्षमता में विकास के साथ ही मानसिक शांति, धीरज और प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होने से यथोचित स्वास्थ्य लाभ होता है। वर्धक प्राणवायु की आपूर्ति शिशु के संपूर्ण विकास में अहम भूमिका निभाने के साथ ही गर्भपात, जन्मजात विकृतियों और समय पूर्व प्रसव से भी सुरक्षा प्रदान करती है। प्राणायाम के दौरान डायफ्राम की हलचल के माध्यम से रक्त परिसंचरण बढ़ने से गर्भावस्था संबंधित विकार जैसे डायबिटीज और उच्च रक्तचाप से भी सुरक्षा प्राप्त होती है और फेफड़ों की क्षमता में इजाफे से सामान्य प्रसव में भी सहायता मिलती है। ओम उच्चारण। ओम वह सर्वत्र सर्वव्यापक अलौकिक ऊर्जा है जिसका अस्तित्व हर प्राणी, वस्तु, शब्द या यूं कहें कि हर कंकड़ के मूल में विराजमान है। यह समस्त ब्रह्मांड की वह सकारात्मक ध्वनि है जिसका जप करने से मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के साथ ही आत्मिक शांति और परम सुख का अनुभव हो सकता है। समतल जमीन पर आलती पालती मारते हुए सरल आसन में बैठें। कंधों को ढीला छोड़कर पीठ को सीधा रखें। दोनों हथेलियों को घुटनों के ऊपर रखकर तर्जनी अंगुली से अपने अंगूठे को छुएं। अपनी आंखें बंद रखें और लंबी गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करें। आप नाभि से उत्पन्न स्वर के कंपन को
ऊपर कंठ, चेहरे और फिर मस्तिष्क स्थित ज्ञान केंद्र तक अनुभव करेंगे। ओ इस अभ्यास को लगभग 5 बार दोहराएं। सुगमता पूर्वक करने से आप अपने तन मन में अलौकिक ऊर्जा और शांति का अनुभव करेंगे। अनुलोम विलोम। यह व्यायाम मुख्यतः नथुनों के माध्यम से श्वास की आवाजाही पर केंद्रित है। इस व्यायाम को करने से रक्त संचार और उसके ऑक्सीकरण में वृद्धि होती है। श्वास तंत्र सुदृढ़ होने से प्राकृतिक प्रसव में सहायता मिलती है और शारीरिक और मानसिक तनाव कम होने से चित्त शांत हो मन को सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। समतल जमीन पर आलती पालती मारते हुए सरल आसन में बैठें, कंधों को ढीला छोड़ अपनी पीठ को सीधा रखें, दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमिका उंगली को बाहों के बीच रखें और अंगूठे से दाहिनी नसीका को बंद करें। खुले बाएं नथुने से सुगमता पूर्वक श्वास लें, फिर अंगूठे को हटाकर दाहिनी नसीका को खोल दें और अपनी अनामिका और कनिष्ठा उंगलियों से बाएं नसीका को बंद कर दाई नसीका से श्वास बाहर छोड़ें। क्रमशः अब विपरीत दाहिने नसीका से श्वास लें और बाई नसीका से छोड़ें। इस अभ्यास को 5 बार दोहराएं। प्राणायाम करते समय गर्भवती महिला को कुछ सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेषज्ञ प्रशिक्षक की देखरेख में ही प्राणायाम और अन्य व्यायाम करें। ढीले आरामदायक कपड़े पहने। प्राणायाम संभवतः ताजी खुली हवा में आरामदायक वातावरण में खाली पेट करना हितप्रद होता है। भोजन करने के त्वरित बाद यह वर्जित होता है। वे व्यायाम जैसे कपालभाति, जिनसे पेट पर अप्रत्याशित दबाव पड़ता हो, गर्भावस्था में वर्जित हैं। लंबे समय तक श्वास न रोकें। ऑक्सीजन की अल्पता आपके और भ्रूण के लिए घातक हो सकती है। विदित रहे कि व्यायाम करते समय निम्न वर्णित लक्षण खतरे का संकेत हो सकते हैं, जैसे असाधारण छाती, पेट या श्रोणि गुहा अर्थात पेल्विक दर्द या गर्भाशय के असामान्य संकुचनों का होना, असहनीय सिरदर्द, दृष्टि में धुंधलापन, बेहोशी, चक्कर आना या जी मचलाना, अनियमित या तीव्र गति से दिल का धड़कना या असामान्य घबराहट होना, श्वास लेने में असहज महसूस करना या आराम अवस्था में भी दम फूलना, जोड़ों या मांसपेशियों में अप्रत्याशित कमजोरी या दर्द के कारण चलने फिरने जैसी सामान्य दिनचर्या में भी तकलीफ महसूस करना, शरीर में अचानक सूजन आना, गर्भस्थ भ्रूण की नित हलचल में अल्पता या अनुपस्थिति प्रतीत होना, योनि मार्ग से रक्त या एमनियोटिक द्रव्य का स्राव, और यदि आप इनमें से कोई भी लक्षण अनुभव करती हैं तो तुरंत अपने स्वास्थ्य प्रदाता से संपर्क करें। विदित रहे कि आप एक नवजीवन को सृजित कर स्वयं रचयिता बनने वाली हैं। उस ईश्वर ने इस संसार में अवतरण हेतु माता पिता के रूप में आपको चुना है, अतः यह आपकी और समस्त समाज की नैतिक जिम्मेदारी है कि उस नन्हे फरिश्ते की सेवा में किंचित भी त्रुटि ना हो। आपकी सुरक्षित और खुशहाल गर्भावस्था की अनंत शुभकामनाओं के साथ हैप्पी प्रेगनेंसी।